एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज। एज यू ऑल नो, हमारा चैप्टर नंबर 1 इज इन कंटिन्यूएशन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आप जानते हो हमने क्या क्या बात करी है। तो इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये बात आप याद रखेंगे, हमने आखिरी लेक्चर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कवर कर ली थी। इसके बाद साथ ही हमने क्या भी कर लिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गई थी, एटॉमिक नंबर हो गया था। अब आज चलते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से निकल के आया था, वाज दैट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। RAM भी बोला जाता है जिसको, विच इज बेसिकली नोन एज RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। इसके बारे में क्या हमें जानना है, दिस इज डन बाय एक्सप्रेसिंग मास ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड। और जो एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि इसे जनरली वैसे तो तीन तरीके से, तीन पार्ट्स में पढ़ा जाता है। एट 1961 क्या हुआ, बिफोर 1961 क्या हुआ, और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आफ्टर 1961 क्या हुआ। तो अब जो हमें बात करनी है रिलेटिव एटॉमिक मास की, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि जो भी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, आप जानते भी हो एट प्रेजेंट वी से कि 118 प्लस एलिमेंट्स आर देयर इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो क्योंकि हमें क्यों क्लासिफिकेशन करना पड़ता है एलिमेंट्स का, ये तो हम देखेंगे तीसरे चैप्टर में। बट किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। क्योंकि हमें पता है भाई वही एलिमेंट आगे चल के किसी पर्टिकुलर ग्रुप में वो आएंगे तो उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, उसमें नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो कैसा बिहेव करने वाला है, रिएक्शन कैसे होने वाली है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल रोल रहता है। इस वजह से जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, वो बेसिकली एक तरीका है। आज से जब ये स्टार्ट हुआ था, ऑफकोर्स आप कह सकते हो अर्ली 1800s में, तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था रिलेटिव एटॉमिक मास का, कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, हम मतलब साइंटिस्ट लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज किया करते थे। और बिफोर 1961 में तो क्या हुआ इसके बारे में बात की ही जाएगी, लेकिन बिफोर 1961 जो दो स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए गए थे उसमें से पहला था हाइड्रोजन का आइसोटोप नंबर। कौन सा आइसोटोप था, हाइड्रोजन का वन वाला आइसोटोप था, विच इज बेसिकली नोन एज प्रोटियम। और इसको प्रपोज करने वाले जॉन डाल्टन ही थे। आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि जैसे बिफोर 1961 कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको इस्तेमाल किया जाता था बाकी के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने के लिए। आप याद रखोगे एक था H1 और यहाँ पर दूसरा था, क्योंकि H1 के साथ कुछ दिक्कत थी। इसके बाद ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1858 के अराउंड O16 को इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया था। यहाँ पर बात लिखी भी है लेटर ऑक्सीजन को एज स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया गया। यहाँ पर आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे कि हाइड्रोजन के साथ क्या दिक्कत थी और ऑक्सीजन के साथ फिर क्यों ऑक्सीजन को यूज़ किया गया और बाद में ऑक्सीजन को भी रिप्लेस कर दिया गया। वो रीजन आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बस आप ये याद रखोगे बिफोर 1961 वी हैड हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16 SO2, जिनका इस्तेमाल करके बाकी के एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता था। फिर ऑक्सीजन स्केल में आप देख सकते हो ऑक्सीजन स्केल में कैसे हम निकाला करते थे बाकी के दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास। यहाँ पर ये बोला है जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के बाद आएगा हाइड्रोजन में मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है ऑफ एन एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट को स्पेसिफाई नहीं किया गया। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी क्लोरीन एक्सेट्रा। और नीचे किसके रिलेटिव कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब कौन स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट है, तो आप देख सकते हो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, या हम कह सकते हैं वन एटम या एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। तो ऐसे इस्तेमाल किया जाता था। ऑफकोर्स इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो हम देखेंगे आगे। तो हाइड्रोजन फेल हुआ तो हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर आया था ऑक्सीजन वाली स्केल। ऑक्सीजन वाली स्केल में क्या था, ऑक्सीजन वाली स्केल में एज वी नो कि ऑक्सीजन 16 का इस्तेमाल किया जाता था।
और ये सब के सब डिस्कशन चल रहे हैं बिफोर 1961। हाइड्रोजन वन को रिप्लेस किया ऑक्सीजन 16 ने, देयर वर रीजन्स कि क्यों रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन, बट हम उस डेप्थ में नहीं जा रहे, वो जरूरत नहीं। यहाँ पर फिर से वही बात, मास ऑफ एन एटम या वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, फिर से वही बात, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जा रहा है, अपॉन में 1/16 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, या आप कह सकते हो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो उसकी कैलकुलेशन करते थे तो हमें बेसिकली क्या मिलता था, रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है हमने बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पहले हाइड्रोजन वन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता था, फिर हाइड्रोजन फेल हुआ तो ऑक्सीजन 16 को इस्तेमाल किया जाने लगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आप ये याद रखोगे बस, बिफोर 1961 ये बात चल रही है। 1961 में क्या हुआ, आईयूपीएसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन को भी रिप्लेस कर दिया, और जो कार्बन का C12 वाला आइसोटोप है इसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया गया था टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट बैक एट दैट टाइम। जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे साइंटिफिक कम्युनिटी को, तो उन सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, C12 एलिमेंट का। अब कैसे इस्तेमाल किया गया वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, बेसिकली C12 वॉज स्टैंडर्ड वॉज चूजन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस। ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों C12 एलिमेंट को इस्तेमाल किया गया था। पहला रीजन इसका ये, क्योंकि जो C12 एलिमेंट है इसकी परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस ज्यादा होती है, परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस वॉज हाई, ऑलमोस्ट 98.89% लिख रखी है, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एक कारण तो ये था कि परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस C12 की काफी ज्यादा है नेचर में। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, कार्बन तो आई थिंक 17 नंबर पे आता है, 17 या 18 नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज हाइड्रोजन की पहले पे हाइड्रोजन आता है परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस। ऑक्सीजन फिर 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे ऑक्सीजन है O16। जो हमारा C12 है ये लगभग लगभग आता है 17वें नंबर पे, 17वें या 18वें नंबर पे। फिर से वही बात, अगर परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस कार्बन की कम है एज कंपेयर्ड टू H1 और O16, तो फिर भी उसके बावजूद भी क्यों इसके एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया गया, तो परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस वॉज नॉट ओनली द सोल क्राइटेरिया जिसका इस्तेमाल रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हुआ था। अपार्ट फ्रॉम इट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी C12 के साथ, अच्छी बात ये थी कि C12 एलिमेंट जो है ये ना ही तो हाईली रिएक्टिव है, नाइदर इट इज हाईली रिएक्टिव नॉर इट इज वेरी लेस रिएक्टिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर क्यों चूज किया गया C12 एलिमेंट को एज आर स्टैंडर्ड रेफरेंस। सबसे बड़ा फैक्टर आप कह सकते हो उसकी रिएक्टिविटी का था, क्योंकि आप जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन तो आपको पता भी है इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, यही कारण था। आगे चल के हम देखेंगे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, जब आप तीसरा चैप्टर पढ़ोगे तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त किसका इस्तेमाल किया था, तो मेंडलीव ने इस्तेमाल किया गया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही, किसकी फॉर्म में, हाइड्राइड्स एज वेल एज ऑक्साइड, इनका इस्तेमाल किया गया था। तो उन्होंने जितने भी ग्रुप्स उनके टाइम पे थे, बेसिकली 8 ही ग्रुप थे और 6 पीरियड थे, देयर वर एट ग्रुप्स और पीरियड थे ऑलमोस्ट 6, तो वहां पर किसका इस्तेमाल किया गया था, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का इस्तेमाल किया था एलिमेंट्स को, एक पर्टिकुलर ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड को उन्होंने मेंशन किया था। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं ज्यादा, और यही कारण था कि C12 एलिमेंट को प्रेफरेंस दी गई ओवर 1H एंड O16, तो ये कारण था। तीसरा कारण यहाँ पर मेंशन होगा, तीसरा कारण है जो आइसोटोप है C12 के भी, मतलब जो कार्बन के आइसोटोप हैं वो ज़्यादा नहीं है, जनरली कितने होते हैं C13 और C14। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये जरूर आ सकता है कि सर हाइड्रोजन के भी तो 3 ही होते हैं, 1H
मतलब H1, H2, H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस और नंबर ऑफ आइसोटोप्स से बड़ा जो डोमिनेटिंग फैक्टर था वो रिएक्टिविटी का था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्योंकि रिएक्टिव अच्छे खासे थे, तो जो सही कैलकुलेशन थी अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की वो वहाँ पर क्या कर रहा था, बेसिकली आप कह सकते हो एरर प्रोड्यूस कर रहा था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लेन के साथ दिक्कत ये थी, लेकिन कार्बन C12 को लिया तो वो जो कैलकुलेशन में एरर है वो काफ़ी हद तक हो गई थी कम। अब फिर से वही बात, रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया जाएगा, जैसे हम पिछले बार कर रहे थे किसके साथ, हाइड्रोजन H1 हो या ऑक्सीजन 16 हो, बस अब आ गया C12। कुछ नहीं, फिर से वही बात, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, अभी तक हमने यही किया, मास ऑफ वन एटम या एन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन में वही 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ, क्योंकि स्टैंडर्ड डिफरेंस के रिस्पेक्ट में रिलेटिव में ही कैलकुलेट किया गया था, तो वही लिखने वाला हूँ, मास ऑफ वन एटम ऑफ वन एटम ऑफ स्टैंडर्ड डिफरेंस, जो बेसिकली क्या था, C12 एलिमेंट। इससे पहले आप जान सकते हो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, 1/1 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन में 1/16 था, यहाँ पर क्या आ गया, 1/12। अब देखते हैं इसको फर्दर कैसे इलेबोरेट किया जाता है, तो यहाँ पर वही लिखा है जैसे अभी हमने बात करी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब C12 को एज स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया गया तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास था, रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे लिखा गया है आप जानते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर अभी हमने कहा मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट, वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट, मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट नहीं आएगा, ये मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट कोई भी हो सकता है, एलिमेंट नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 1/12 मल्टीप्लाइड बाय, इसको यहां से कर देते हैं गायब, यहाँ पर बेसिकली अपने को लिखना है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये जो भी एलिमेंट होगा जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, डिनोमिनेटर में 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट, वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। अब हमें ये देखना है कि जो इतना हिस्सा है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में कोई वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर में पर्टिकुलरली क्या है स्टैंडर्ड डिफरेंस जो बेसिकली C12 एलिमेंट है। आप ये याद रखोगे जो ये किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या होता है, तो इसको डिफाइन किया जाता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1/12 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाइड बाय आप जानते हो यहां पर सर एन एलिमेंट लिखा है, लेकिन यहां पर इन पर्टिकुलर कौन सा लिखा है, C12 एलिमेंट, तो C12 एलिमेंट भले ही लिखा है इसमें भी C12 एलिमेंट के एक एटम का मास जो है कैसे उसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो तरीका यहाँ पर भी वही है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे C12 में मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। अब मैंने इसीलिए आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, जो न्यूक्लियॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन आर बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन बोला जाता है, तो ऊपर में तो पर्टिकुलरली वही एलिमेंट के न्यूक्लियॉन होंगे, हमें नहीं पता जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करे होंगे, लेकिन आप जानते हैं डिनोमिनेटर में सर 6C12, और हमें ये पता है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बता दिया था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, आप देख सकते हो कोई भी चार्ज नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा,
न्यूट्रॉन होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि 6। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर देखा जाए C12 में होंगे 12, ये आ जाएगा मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। आप जानते हो 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ पर मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन से मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन कट जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं जो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास ये होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आपको ये बात याद रखनी, इसका मतलब ये बात भी, ये रिलेटिव टर्म किसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, रिलेटिव टर्म इस्तेमाल की जा रही है वो स्टैंडर्ड डिफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में अदर एलिमेंट के एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया गया है, और वो स्टैंडर्ड डिफरेंस क्या है, वो स्टैंडर्ड डिफरेंस बेसिकली हमारा C12 है। अब एग्जांपल देखते हैं जो अगले पेज में भी ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हो अगले पेज में इन द नेक्स्ट स्लाइड भी है। जैसे अगर बात की जाए सोडियम है 11Na23, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23, बहुत बेसिक बात आप ऑलरेडी जानते हो। तो अगर 11Na23 है, आप जानते हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है 11, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये खुद बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन है 11। अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 23 माइनस 11 यानी कि कितना आ जाएगा 12। आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप बोलोगे सर ये आ गया 11 प्लस 12 यानी कि ये आ गया 23। और आप देखिए अभी हमने क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो वो बेसिकली क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका मतलब अब हमें ये बात भी पता चल रही है कि जो ये सोडियम का यहाँ पर 23 इसका मास लिखा है ना, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, आप जानते हो मास और वेट में वी नो डिफरेंस होता है, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब आप एक ही समझ के चलोगे। इसका मतलब जो यहाँ पर 23 है सर, ये एक्चुअल में सोडियम का एटॉमिक मास तो है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, RAM है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, सोडियम का एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। और उसको किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव कैलकुलेट किया गया, तो आप जानते हैं उसको कैलकुलेट किया गया है सर C12 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। ये बात आपको पता चल गई, मतलब अब आप देख सकते हैं हम कहाँ पे पहुंच गए। मैंने कहा था बिफोर 1961 क्या हुआ, आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से जो बात याद रखनी है, बिफोर 1961 कौन से दो एलिमेंट को स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया गया था, तो ये आप याद रखोगे H1 साथ में O16। एट 1961 क्या हुआ, एट 1961 में C12 एलिमेंट को चूज किया गया एज स्टैंडर्ड रेफरेंस, और आप देख सकते हो रिलेटिव एटॉमिक मास बाकी के सभी एलिमेंट का कैसा कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट किया गया होगा। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं आज के टाइम में, ये तो एट 1961 है, अभी ऑफ कोर्स इसमें फर्दर डिस्कशन हमें करने हैं, लेकिन जो मॉडर्न डे टेक्निक है या एडवांस टेक्निक है एटॉमिक मास को, मॉडर्न और एडवांस टेक्निक है एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की, उस टेक्निक का नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि C12 एलिमेंट के साथ भी ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिप्लेस करके C12 को लेके आए हैं तो C12 के साथ परेशानियां नहीं होंगी। ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स विद C12 एलिमेंट, क्या है वो आउट ऑफ सिलेबस है, उसका डिस्कशन यहाँ पर नहीं करना, इसीलिए जो मॉडर्न या एडवांस टेक्निक है इसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये हायर साइंस का टॉपिक होता है, आपको बस तो ये नाम पता होना चाहिए कि नाम इस टेक्निक का नाम क्या, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हम दोबारा से आ जाते हैं एट 1961, तो अभी हमने देखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास वाली टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, और जितने भी हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के एटॉमिक मास बेसिकली देखते, चाहे वो सोडियम हो, वो नियोन हो, वो आर्गन हो, कैल्शियम स्कैंडियम कोई भी हो, वो जो उनके एटॉमिक मास होते हैं वो एक्चुअल में एक्चुअल एटॉमिक मास ना होके क्या, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकाले गए हैं। अगर हम आगे चलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट जिसे AMU बोला जाता है, डाल्टन या यूनिफाइड मास क्या होता है, तो इसकी लिखने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, दोबारा हम समझेंगे भी आता कैसे है कि हमें, अभी अभी आपने लिखा था सर ये होता है मास ऑफ
वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास ऑफ एन एटम, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। अभी हमने ऐसे ही लिखा था, आप AMU लिखने के लिए क्या लिख सकते हो? AMU के लिए आप ये करिए, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसके डिनोमिनेटर को लिख दीजिए। डिनोमिनेटर बेसिकली क्या है, 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट, वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। और आप अभी जानते हो कि सर किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। अगर वो एलिमेंट यहाँ पर क्या है, C12 है, तो हम देखेंगे C12 में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने होते हैं मल्टीप्लाइड बाय एक न्यूक्लियॉन का मास। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/12 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 12 है मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। 12 से 12 कैंसिल हुआ, और मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन कितना होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 1.67 × 10^-24 ग्राम। कितना होता है, 1.67 × 10^-24 ग्राम, या आप केजी में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1.67 × 10^-27 ग्राम, जो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग लगभग बराबर भी होता है। इसलिए आप बोल सकते हो एक AMU ये किसके बराबर है, 1.67 × 10^-24 ग्राम। एक न्यूक्लियॉन का मास इतना होता है, एक प्रोटॉन का मास भी इतना है, और एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, यही है मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन H1 एलिमेंट। अब आपको पता भी चल रहा होगा सर ये H1 कहाँ से आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, आप याद रखेंगे। वैसे ये आता कैसे, इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। एटॉमिक मास ये बात आप याद रखेंगे, मैंने ऑलरेडी बात कर ली, इतना होता है। 1 AMU को 1 डाल्टन भी कहते हैं, और फिर से वही बात, अब IUPAC ने एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल ना करते हुए आजकल हम इसे क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास, जिसे बेसिकली यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप याद रखोगे बेसिक बात है, ऐसा कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करने वाला। AMU हमारा हो गया, यहां पर हम एटॉमिक मास के ऊपर डिस्कशन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। अब आप देखिए, हमने कहा सर एक AMU बेसिकली ये आ रहा है, इसे थोड़ा यहां से लिखते हैं, एक AMU आ रहा है, एक AMU ये आ रहा है, देखिए 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। और अभी हमने इसी को सॉल्व किया है, इसी को सॉल्व करके हमने लिखा 1.67 × 10^-24 ग्राम, 1.67 × 10^-27 ग्राम। चलिए देखते हैं कैसे आता होगा। अब अभी हमने बात करी कि सर जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास हमने डिस्कशन किया था कि कैसे C12 एलिमेंट को एक स्टैंडर्ड डिफरेंस चूज किया गया। उसके बाद हम पहुंचे AMU में, तो यहां पर आप देखिए ये क्या कह रहा है, 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। अगर मैं बात करूं, मेरे पास C12 एलिमेंट है, और आपको पता है जैसे कार्बन का एलिमेंट है, और बेसिकली मैंने कौन सा ले रखा है, 12 वाला C12 आइसोटोप। अगर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मास ऑफ, ध्यान से देखिएगा ये कैसे आता है, इसका प्रूफ है, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रिजल्ट याद रखोगे। मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि C12 एलिमेंट है, इसकी एक एटम का मास कितना होगा, क्योंकि मुझे तो पता है कोई भी एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिलके बनता है, तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि एक एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हालांकि
ये हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन आपने अपनी जूनियर क्लासेस में इतना तो बिल्कुल पढ़ा ही है कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको पता है सर 6e12 में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो अगर मैं ये कर दूँ 6 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड किया प्लस 6 × मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 × मास ऑफ न्यूट्रॉन। भाई C12 एलिमेंट में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो अगर एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, अगर मैंने इन तीनों के मास को ऑफ कोर्स अलोंग विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट को अगर ऐड कर दिया तो C12 एलिमेंट के एक एटम का मास आ जाएगा। आप ये बात याद रखोगे कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है इट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन विच इज ग्रेटर 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 देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहीं ज़्यादा हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। एक बात और लिख देता हूँ, जो प्रोटॉन का मास है लगभग लगभग 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको कहीं पर ये देखने को मिल सकता है 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये भी कहते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से लगभग लगभग रफली 12% ही हैवी होता है, इसीलिए तो किसी भी एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है जहां पर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो रहते हैं, क्यों भाई, वो ज्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कभी अगर आपने सोचा हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं घूमते न्यूक्लियस के चारों तरफ, क्यों भाई, बहुत ज्यादा हैवी है। ये बात आप याद रखो, इसका मतलब जो मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन है ये तो हो जाएगा ऐसे कैंसिल, ये आ जाएगा 6 × मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 × मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप ये बात याद रखोगे कि चलो अभी आपको ये बात पता नहीं होगी कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मैं फिर भी आपको यहाँ पर एक बार वैल्यू याद दिला देता हूँ। आप ये बात याद रखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज रफली 1.672 × 10⁻²⁴ ग्राम, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.674 × 10⁻²। लेकिन कभी भी फॉर न्यूमेरिकल परपजेज, आप फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो वहां भी काम आएगा, फॉर न्यूमेरिकल परपजेज आप ये याद रखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लगभग लगभग बराबर ही लेके चलोगे और इसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻²। यहाँ वैल्यू रख देंगे ये आ जाएगा 6 × 1.67 × 10⁻²² प्लस 6 × 1.67 × 10⁻²। आप जानते हो ये चीज कॉमन आ जाएगी, 6 × 1.67 × 10⁻², ये भी दोनों में कॉमन है, अगर इसे कॉमन ले लिया जाए इतना हिस्सा कॉमन है, अंदर आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ गया, 2 × 6 = 12, ये 12 आ गया 1.67 × 10⁻²। और आप जानते हो सर ये किसकी वैल्यू है, इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये वैल्यू किसकी है, तो अभी अभी आप जानते हो हमने सर 1 AMU की वैल्यू इतनी तो लिखी थी 1.67 × 10⁻², इसका मतलब ये कितना आ गया 12 AMU। और बेसिकली आप ये बात याद रखोगे हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, LHS में क्या था, LHS में V है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट, ये आता है 12 AMU। अभी मैं और डिस्कशन करने वाला हूँ, जो बेसिकली कि एटॉमिक मास ही है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 AMU, अगर आपको ग्राम में लिखना है 12 × 1.67 × 10⁻²। यहां से बेसिकली से क्या लिखा जा सकता है, देखिए 12 AMU के भी तो बराबर है, अगर मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट इट इज इक्वल टू 12 AMU, इसका मतलब 12 AMU खुद किसके बराबर है, कैन बी रिटन एज 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। अगर 12 AMU इतना है, अगर मैं यहां से 1 AMU निकालू, 1 AMU आ जाएगा 1/12 × मास ऑफ
वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। तो यहाँ से आती है 1 AMU की वैल्यू, जो मैंने बेसिकली आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी थी लिखने की, क्योंकि आपको डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं, डेरिवेशन आपका एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था जो रिलेटिव एटॉमिक मास का डिनोमिनेटर था वो लिख दोगे, वो बेसिकली क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 AMU के बराबर। डिराइव यहाँ से होता है 1 AMU इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट। थोड़ी चीज और आगे बढ़ाते हैं, हमने कहा ये है सर मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं ये चीज को, अगर इसको यहां पे ऐसे लिखा जाए, सर हमारे पास है मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट, वन एटम ऑफ C12 एलिमेंट ये बराबर है इज इक्वल टू 12 AMU या 12 × 1.67 × 10^-24 ग्राम। ये एक एटम का मास, अगर मैं निकालूं मास ऑफ Na एटम्स, Na को बोल जाता है एवोगैड्रो नंबर, अभी मैं आपको बता दूंगा, अगला टॉपिक अपना वही है। Na एटम्स ऑफ C12 एलिमेंट, C12 एलिमेंट, एक एटम का मास इतना है, तो Na एटम्स का मास कितना हो जाएगा, आप जानते हो Na एटम्स का मास हो जाएगा 12 × 1.67 × 10^-24 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 × 10^23। ये लगभग लगभग आ जाएगा 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल, यानी कि ये बेसिकली क्या होगा, ये हो गया मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ C12 एलिमेंट। ये आगे भी काम आने वाला है, 12 ग्राम पर मोल कैसे आया आप टेंशन नहीं लेंगे, जब मैं आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में बताऊंगा। मास ऑफ एक एटम C12 एलिमेंट का कितना है, 12 AMU है, 12 × 1.67 × 10^-24 ग्राम। तो ऐसे ही Na एटम्स का कितना आ जाएगा, Na एटम्स का आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, यहां से फर्दर, इस लेक्चर से फर्दर जो भी आगे अपनी बातें होने वाली, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, इसकी बात मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप तब तक ये बात जरूर याद रखेंगे कि एक एटम का C12 एलिमेंट मास इतना है, AMU में कितना होगा, ग्राम में कितना होगा, और ये मोलर मास C12 एलिमेंट कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज और रह गई है, जो बेसिकली ये होती है कि 1 AMU किसके भी बराबर होता है, इसका डेरिवेशन हम लोग करने वाले अगले लेक्चर में। 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10^23, इतना ग्राम होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के साथ अकॉर्डिंग, बिल्कुल पूछ सकता है 1 AMU किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर, या 1 अपॉन Na का स्क्वायर एवोगैड्रो नंबर का स्क्वायर आ सकते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम बात करने लग जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट की। तो आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी है रिगार्डिंग द फर्स्ट चैप्टर, कैसे मीटर से शुरुआत हुई, उसे मेजर किया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फिर बात चली कि कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म क्या होती है, कैसे दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है, मतलब हमारी एंट्री हो चुकी है मोल कॉन्सेप्ट पे। आगे जो बात है वो की जाएगी अगले लेक्चर में, टिल देन Stay tuned. Thank you.